अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक फिशन रिएक्शन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 18 अटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द टॉपिक एटीन फिशन रिएक्शन तो फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक लार्ज चीज डिवाइड होकर छोटे हिस्सों में मुंतकिल हो जाती है मीन की एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिजन रिएक्शन सो फिजन रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस सप्लिट इन टू टू स्मॉलर न्यूक्लिया बाय अब्सॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन तो फिजन रिएक्शन क्या है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करके एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जाता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्लियर लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक यूरेनियम का एलिमेंट मौजूद है विच इज हाईली अनस्टेबल रेडियो एलिमेंट सो इसका अटोमिक नंबर होता है नाइंटी और इसका मैच होता है टू तो अगर हम इस पर एक न्यूट्रॉन की बंबार्टमेंट करें तो जैसे ही ये इस न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा तो ये हैवी न्यूक्लियस जो है ये टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा किस तरह से जैसे ही ये न्यूट्रॉन इसमें ऑब्जॉर्ब होगा इट बिकम्स यूरेनियम टू नाइन्टी टू एंड इट बिकम्स टू थर्टी सिक्स यहां मैं एक स्टार बना रहा हूं जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेट और इस स्टेट में यूरानियम जो है ये कुछ सेकेंड के लिए रहता है ओके okay? और कुछ सेकेंड्स के बाद ही ये यूरानियम जो है फर्दर डिड हो जाता है टू न्यूक्लियाई में और वो तो टू न्यूक्लियाई कौन कौन से है दैट इज बैरियम एंड क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन एंड बैरियम क्लियर और इसके रिजल्ट में थ्री न्यूट्रॉन भी इमिट हो जाते हैं क्लियर So, इस तरह से ये फ्यूजन रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होता है कि जब हम एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर एक न्यूट्रॉन की बंबार्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि वो यूरेनियम एलिमेंट वो जो अनस्टेबल एलिमेंट है वो फर्दर टू डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से साथ तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी एमिट होते हैं क्लियर अब अगर हम इसका एक जनरल रिएक्शन डिस्कस करें लाइक like एक न्यूट्रॉन को हमने बंबार्ट करवाया एक यूरेनियम में जिसका टॉपिक नंबर है नाइन्टी टू और मैस है टू थर्टी फाइव सो जैसे ही ये बम्बार्टमेंट होगी यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी जिसमें 92 टू और मैस इसका हो जाएगा टू थर्टी सिक्स सो हेर स्टार्ट दिस इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेट जहां पे कुछ सेकंड क्लियर रहता है और उसके बाद फर्दर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा विच इज एक्स प्लस वाई एंड सिमिलरली इसके साथ तीन न्यूट्रॉन जो हैं, वो भी एमिट होंगे क्लियर और ये जो X और Y हैं, बेसिकली इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर क्रिप्टॉन और बैरियम जो है दीज आर बेसिकली कॉल्ड फिजन फ्रेगमेंट्स ओके okay? तो ये क्या है ये दोनों इस केस में हमारे पास फिजन फ्रेगमेंट हैं र एक्चुअली फेगमेंट और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं दिस इज इंटरमीडिएट न्यूक्लियस जिसमें ये कुछ सेकेंड्स के लिए रहता है और फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है टू फिजन फ्रेगमेंट्स में क्लियर नाउ अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं फिजन रिएक्शन जो है बेसिकली फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था और ये रिएक्शन फर्दर किस तरह से प्रोसीड होता है सो नाउ इन 1939 ओटो हैन एंड फ्रिड स्ट्रासमैन ये दो साइंटिस्ट हैं आपको याद होना चाहिए इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एलिमेंट है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है कि जब आप उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन की करते हैं तो उसमें ये 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 रिएक्शन होता है क्लियर दो आपको याद होने चाहिए एमसीक्यूज़ में आपसे फ्रेगमेंट आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ओके फर्स्ट ऑब्जर्व दैट यूरेनियम न्यूक्लियस सेपरेट इन टू आर टू इक्वल फ्रेगमेंट ओके वो इक्वल फ्रेगमेंट कौन कौन से हैं इक्वल फ्रेगमेंट में वो सेपरेट हो जाता है जैसे ही वो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है सो so, कौन एब्सॉर्ब करता है यूरेनियम ओके सो एक रेक्शन डिस्कस करते हैं लाइक like, एक न्यूट्रॉन जो कि हमने बम्बार्ड करवाया था यूरेनियम के ऊपर व्हिच इज 92 एंड 235 सो so, ये यूरेनियम टू इक्वल फ्रैग्मेंट्स में डिवाइड हो जाएगा व्हिच इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 इसका मास है 141 सिमिलरली एक फ्यूजन फ्रैग्मेंट जो है क्रिप्टॉन यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36 इसका मास होता है 92 और साथ इसके साथ तीन न्यूट्रॉन जो हैं वो इमिट हो जाएंगे क्लियर नाउ इन न्यूक्लियर फ्यूजन मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन ओरिजिनल ऑफ़ द हैवी न्यूक्लियस तो अगर हम एक हैवी न्यूक्लियस का ओरिजिनल मैस करें और एक फ्यूजन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो अगर आप उनका मैस मैयर करें तो उनका मैस लेस होता है क्यों जस्ट बिकॉज कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो इसके रिजल्ट में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होती है इज़ हंड्रेड मैगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट, ओके सो इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वहां से एमिट होती है सो so, अगर हम बात करें कि अगर एक टन कोल को बंद किया जाए कि अगर वन टन वन टन ऑफ कोल बर्न तो इसके बर्न होने से थ्री पॉइंट सिक्स टू टेन एस टू दावर टेन जाउल एनर्जी रिलीज होती है क्लियर yeah. और अगर हम वन किलोग्राम यूरेनियम की बात करें तो इसमें से 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 11 जाउल एनर्जी रिलीज होती है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एक यूरेनियम में से कितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है सिर्फ एक किलोग्राम यूरेनियम में से दैट so मीन कि इसमें बहुत ज्यादा रेडिएशंस बाहर इमिट हो रही हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्लियर और अब जैसा कि हमने डिस्क, डिस्कस किया कि अगर हम यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बंबार्टमेंट करें तो फिजन रिएक्शन हो जाता है अब अगर हम यहां डिस्कस करें तो जब हमने न्यूट्रॉन की यूरेनियम पर बंबाटमेंट की तो रिजल्ट में आपके पास तीन न्यूट्रॉन्स और प्रोड्यूस हो गए दैट मीन्स कि ये तीनों न्यूट्रॉन्स फर्दर जाके आगे यूरेनियम पर बम्बार्ट होंगे जब ये फर्दर बम्बार्ट होंगे तो वहां से फर्दर फिजन रिएक्शन होगा और जब फर्दर फ्यूजन रिएक्शन होगा मजीद तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते जाएंगे इस तरह से मजीद रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस रहता है और ये विद इन रिएक्शन इतना फास्ट हो जाता है इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि ये हाई एनर्जी एमिट कर सकता है मींस कि ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है क्लियर सो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन जो है ये अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ चेन रिएक्शन क्लियर सो आई होप यहां आप समझ रहे होंगे कि चेन किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है कि जब न्यूट्रॉन निकलता है जो रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रॉन फर्दर यूरानी करता है सिमिलरली वो जो न्यूट्रॉन्स फर्दर प्रोड्यूस होंगे वो न्यूट्रॉन्स फर्दर एक्ट करेंगे इस तरह से ये एक प्रोसेस चलता रहेगा सो वी कॉल इट इज अ चेन रिएक्शन ओके सो हमने डिस्कस कर लिया कि चेंज रिएक्शन इसको हम क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक चेन की फॉर्म में कंटिन्यूस रहता है और ये एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन बन सकता है अगर इसको फर्दर कंट्रोल ना किया जाए द क्वेश्चन इज कि हम इस फिजन रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल कर, so, so, कर सकते हैं सो दिस फिजन चेंज रिएक्शन इज कंट्रोल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स सो इस चेन रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल कर सकते हैं से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन लिबरेटेड सम मटेरियल टू स्लो डाउन द चेन रिएक्शन तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को आप फर्दर एब्सॉर्ब कर सकते हैं मीन्स के हम उसको उस रिएक्शन में से बाहर निकाल सकते हैं बाई यूजिंग सम मेटेरियल सो आप कुछ मेटीरियल्स को इस्तेमाल करके आप उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल दें ताकि जब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो वो न्यूट्रॉन्स फर्दर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे इस तरह से आपका जो चेन रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो सकता है तो उसको हम स्लो डाउन करके इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं सो so अब अगर हम डिस्कस करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी ऐसा ही एक न्यूक्लियर रियक्टर को इस्तेमाल किया जाता है जो कि वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है और उस एनर्जी से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है सो so अगेन अब वहां पर भी ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो इस फ्यूजन रिएक्शन को वहां पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है सिमिलरली सम मेटीरियल वहां से न्यूट्रॉन्स को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है ताकि न्यूट्रॉन्स जो है वो फर्दर उस चेन रिएक्शन को प्रोसीड ना करें ताकि ये एक हाईली एक्सक्लोजिव ना बन सके सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज